PSL की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे MTT न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी PSL की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने MTT न्यूज चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको PSL के बारे में कुछ ताजा जानकारियां देने वाला हूं और दोस्तों साथ ही जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आप सभी के कुछ सवालों के जवाब दिए थे और आपसे ये भी कहा था कि आपके जो भी सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके उन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं जो कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में कमेंट किया था। और दोस्तों अगर आपने कमेंट नहीं भी किया था तब भी आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, हो सकता है दोस्तों जो आपके मन में सवाल हो उसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिल जाए। और हाँ, अगर आपने मेरी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख ले, आप यहाँ पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें भी मैंने कुछ जरूरी सवालों के जवाब दिए थे। तो दोस्तों सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि एक खबर आई है जो इस न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने इसे अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया है, आप मेरे फेसबुक पेज से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है रामलाल सैनी जी का, इनका कहना है कि अगर कोई फॉर्म रह गया हो तो उसको दोबारा भर सकते हैं क्या, क्योंकि पहले उसका बैंक में खाता नहीं था, हमने खाता खुलवा लिया है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमें आपकी राय चाहिए। तो रामलाल सैनी जी अभी फिलहाल तो कोई आवेदन शुरू नहीं हुए हैं और जब भी आगे होंगे तो आपको हमारे चैनल द्वारा पता चल जाएगा, फिलहाल तो कोई आवेदन नहीं हो रहे हैं। तो अब दोस्तों अगला सवाल है राम प्रकाश जी का, इनका कहना है कि कोई गलती नहीं है मेरे आवेदन में फिर भी पैसा नहीं मिला, कोई SMS तो दिया होता कि किस कारण से नहीं दिया जा रहा है। तो राम प्रकाश जी अगर आपका सब कुछ आवेदन सही था और फिर भी अभी आपको पैसा नहीं मिला है तो आप कुछ दिन और इंतजार कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी भी काफी लोगों को रिफंड दिया जा रहा है सेबी की तरफ से, जिन निवेशकों का भी 5,000 तक जमा था उनको अभी रिफंड दिया जा रहा है तो हो सकता है आपको भी रिफंड मिल जाए। तो दोस्तों अगला सवाल है ज्ञान स्वरूप कुशवाहा जी का, कहना कि हेलो सर नमस्कार, मैं बारा जिले से ज्ञान स्वरूप कुशवाहा, सर मेरी 467 की 9 किस्तें जमा थी और मेरे अकाउंट में 3,735 रुपए आ चुके हैं और मेरे 4,203 रुपए बनते थे, अब बाकी पैसों के लिए मुझे क्या करना होगा, धन्यवाद। तो ज्ञान स्वरूप जी हो सकता है कि आपने 9 में से 8 ही रसीद लगाई होगी, जो आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी 9 किस्तें थी। और एक और बात बता दूं आपको कि जब हम आवेदन कर रहे होते हैं उसमें रिसिप्ट बाय रिसिप्ट हमें उसके अमाउंट भरने होते हैं और दोस्तों टोटल अमाउंट को जोड़कर आखिरी अमाउंट हमें भरना पड़ता है। अगर आपने 8 ही रसीद जमा की होगी तो आपको 8 ही रसीद के पैसे मिले हैं जो कि 3,735 रुपए बनते हैं। अगर आपने 9 रसीद लगाई होगी तो दोस्तों फिर तो कोई मतलब नहीं है कि आपका इतना पैसा रिफंड आया होगा, आपने 8 ही रसीद लगाई थी इसलिए आपका इतना पैसा आया है और एक रसीद का आपका पैसा नहीं आया है, जैसा कि आप दोस्तों इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है सुंदर सिंह यादव जी का, इनका कहना है कि आवेदन किए लगभग 1 साल हो चुके हैं, एक भी पैसा नहीं आया, बस खबरें ही दिखाई जाती है। तो सुंदर सिंह जी आपको मैं बता दूं कि आपका पैसा इतने सालों से फंसा हुआ है और पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों इसमें हमारी जो हम न्यूज़ देते हैं इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है, हम से भी या सरकार में तो बैठे नहीं जो हमने आपका पैसा रोक रखा है। दोस्तों मेरा काम है आप सब तक खबर पहुंचाना तो मैं अपना काम करता हूं, बल्कि दोस्तों ये खबरें तो आप सभी के लिए जरूरी होती है फिर भी आप सब लोग ऐसा सोचते हैं। वैसे तो दोस्तों सही में इतने साल हो गए हैं हमें न्यूज़ देते हुए, हमें भी काफ़ी बुरा लगता है कि बार बार हमें एक ही टाइप की न्यूज़ आप सबको दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं, सेबी कुछ ना कुछ नया करती रहती है और लेकिन आपका पैसा एक बार में रिफंड नहीं कर रही है और दोस्तों एक बार में रिफंड करना मुमकिन भी नहीं है। और दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि सेबी ने एक बार 2,500 वालों के लिए शुरू किया, उनके लिए मतलब रिफंड आवेदन शुरू किए, कैसे भरना है उनके लिए नई प्रक्रिया थी, नए तरीके से भरवाए, और दोस्तों फिर जो बाद में दोबारा से आवेदन शुरू हुए जो कि सभी निवेशकों के लिए थे जिनका कि लाखों तक जमा है उनके लिए भी वो भी आवेदन कर सकते थे, तो दोस्तों उसमें एक नई प्रक्रिया थी और उसके कुछ नए रूल्स थे, तो दोस्तों अब इसमें देख लीजिए। तो हमें स्टेप बाय स्टेप तो न्यूज़ दिखानी होगी, तो खबरें तो दोस्तों काफ़ी सारी बनेंगी ही और दोस्तों वो भी शुक्र है कि हम सब खबरें दिखा रहे हैं, एक तो टीवी वालों ने तो बंद कर दिया है खबरें दिखाना PSL की, और अगर हम भी यूट्यूब पर बंद कर देंगे दोस्तों फिर तो आपको सिर्फ जानकारी जो है गिने चुने कुछ व्हाट्सएप पर भी मिल पाएगी और ये तो वह भी नहीं मिलेगी। और दोस्तों इस यूट्यूब के द्वारा हमारी वीडियो काफ़ी हजारों लाखों लोगों तक पहुंचती है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि PSL की खबरें हमारे जरिए ही इतने लोगों तक पहुँच रही है। आपने इतने सालों तक इंतजार किया है तो दोस्तों थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, फिलहाल दोस्तों अब ज़्यादा ज्ञान ना बांटते हुए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
तो अगला सवाल है शिव कुमार जी का। इनका कहना है कि हमने तो बिल्कुल सही आवेदन कराया था, फिर भी 5000 नहीं आए सेबी की तरफ से, कोई मैसेज भी नहीं आया कि कोई गलती है आवेदन में, सेबी को मैसेज भेजना चाहिए। तो शिव कुमार जी आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें दोस्तों सेबी ने बहुत ही बड़ा एक तरह से हमारे साथ धोखा किया है। वो कैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सेबी ने दोस्तों हमसे आवेदन करवाए, अब सेबी ने जो नया प्रेस रिलीज किया उसमें सेबी कह रही है कि इन इन गलतियों की वजह से हमें पैसे नहीं मिल पाए हैं जो 5000 वाले निवेशक हैं। तो दोस्तों अब जो 5000 वाले निवेशक हैं वो कैसे उस गलती को देखे कि मैंने क्या भरा है, मैंने क्या सही किया था कि नहीं किया था, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं उसको दोबारा सही कर दूं। तो दोस्तों सेबी ने ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। इसमें सरासर सेबी ने हमारे साथ गलत किया है और इसको ज्यादा लंबा खींचने के लिए ऐसा किया है। अगर मान लो सेबी अगर कुछ हमें एडिट का ऑप्शन देती या फिर हमने एक रजिस्ट्रेशन किया था, अलग आईडी बनाई थी, तो उसमें हम अपना अकाउंट खोलकर देख सकते कि हमने कितनी रसीदें दी है, क्या हमने नाम डाला है, कौन सा हमने बैंक अकाउंट सही डाला है कि नहीं डाला है, और बाद में अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो हमसे बदल लें। लेकिन दोस्तों सेबी ने हमें कोई ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं। कम से कम दोस्तों हमने आईडी पासवर्ड बना लिए थे, सेबी को ऐसा भी ऑप्शन देना चाहिए जिसमें हम कभी भी अपना अकाउंट खोल के उसको देख सकते हैं कि हमने क्या क्या डाला था। और अगर निवेशक से कोई गलती हो गई है उस आवेदन फॉर्म में तो उसको एक सही करने का एक एडिट का ऑप्शन भी देना चाहिए था। अब देखिए अभी सेबी खुद ही कह रही है कि इन इन गलतियों की वजह से, और जिनका पैसा नहीं आया है क्या उसको बताया कि मैसेज में कि आपका पैसा इसलिए नहीं आया है। ये तो सेबी ने प्रेस रिलीज कर दिया, अब किसको क्या पता कि मेरे से गलती हुई है। अब कितने साल वो 5000 वाला निवेशक इंतजार करे कि मेरा पैसा आएगा और मुझे अब तक इंतजार करना है। कम से कम सेबी को कोई टाइम लिमिट भी तो बताना चाहिए था कि अगर एक महीने के अंदर 5000 वाले निवेशकों का पैसा नहीं आया तो उनको फिर दोबारा से आवेदन करने होंगे। अगर उस निवेशक से कोई गलती हो गई आवेदन फॉर्म में तो उसको एक महीने बाद सही करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सेबी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, सेबी ने पूरा दोस्तों घुमा फिरा के हमें फंसा दिया है। और वैसे तो आप जो दोस्तों सेबी ने प्रेस रिलीज किया है उसमें तो उन्होंने बताया है कि जल्द ही जिनसे कोई गलती हो गई उनसे दोबारा आवेदन मांगे जाएंगे, उनको मतलब दोस्तों गलतियां सुधारने का मौका दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसका कोई जवाब सेबी ने नहीं दिया है। तो चलिए दोस्तों अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब अगला जो सवाल है वो है मेगा भोसले जी का। इनका कहना है कि सर प्लॉट अलॉटमेंट में फॉर्म भरते टाइम पे यस ही लिखा है, लेकिन हमारे जितने भी कस्टमर हैं उनको कभी भी प्लॉट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। बस जैसे फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है ये जो डेमो वीडियो दिखाया गया था वही देख के आवेदन भरे थे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि प्लॉट आपके नाम पे है तो यस लिखो नहीं तो नो लिखो, क्लियर कुछ भी नहीं था। इसमें हमारी गलती क्या है, मैं एक एजेंट रह चुकी हूँ, मेरे सारे कस्टमर का मिला के 25 लाख के करीब है, अब क्या करें। तो दोस्तों मेघा जी ने भी बहुत ही पॉइंट वाली बात कही है, क्योंकि दोस्तों तो जब आखिरी बार सेबी ने आवेदन मांगे थे एक जुलाई से पहले, तो दोस्तों उसमें सेबी ने मतलब अनाउंस किया था कि आवेदन करने हैं, और उसी दिन साथ ही एक डेमो वीडियो भी जारी किया था जिसमें कि यह बताया गया था कि आपको आवेदन कैसे कैसे करना है। लेकिन दोस्तों उसमें जो है प्लॉट अलॉटमेंट के बारे में साफ तरीके से बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया था कि मतलब अगर आपके नाम पर कोई ज़मीन है प्लॉट है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। वैसे दोस्तों जितने भी बॉन्ड है, जितने भी पेंशन निवेशक के बॉन्ड है उस सब में प्लॉट का साइज दिया हुआ है। जब हमारे पास बॉन्ड है और हमें प्लॉट का साइज दिया हुआ है और आवेदन फॉर्म में पूछा जा रहा है कि प्लॉट का साइज क्या है, प्लॉट अलॉटमेंट किया गया कि नहीं, लेकिन दोस्तों जिन्होंने भी यस कर दिया है वो घबराए नहीं, उनको दोस्तों उसको सुधारने का मौका मिलेगा जैसा कि सेबी ने प्रेस रिलीज में कहा था। और आपको बता दूं कि दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे यह भी कह रहे थे कि सर, और दोस्तों आज भी मेरे पास काफ़ी सारे निवेशकों के ये सवाल आते हैं, वो पूछते हैं कि उनका पैसा क्यों नहीं मिल पाया जबकि उन्होंने रिफंड आवेदन फॉर्म सही भरे थे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सेबी का प्रेस रिलीज जो इंग्लिश में आया था वो हिंदी में भी आ चुका है, तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैंने इसे दोस्तों अपने वेबसाइट पर mttnews.in वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है पूरा हिंदी में। दोस्तों आप गूगल में mttnews.in टाइप करके मेरी वेबसाइट पर जाइए, आपको सबसे ऊपर ही नज़र आ जाएगा सेबी का जो नया प्रेस रिलीज जारी हुआ है। तो आप उस पर क्लिक करके वो पूरी खबर को पढ़ लीजिए और उसमें आप देखिए कि आपका पैसा क्यों नहीं मिल पाया और सेबी ने क्या क्या जानकारी दी है निवेशकों के लिए। वैसे तो पहले ही ये मैं बता चुका हूँ, वो तो इंग्लिश में था लेकिन उसमें कुछ ही जानकारी दी थी, ये हिंदी में है, आप इसे खुद भी पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है सुशबीर दहिया जी का। इनका कहना है कि सर जिनके बॉन्ड पहले ही जमा हैं उनका क्या होगा, पैसा मिलेगा या नहीं।
तो दोस्तों जिनके बॉन्ड पहले ही जमा है दोस्तों उन बॉन्ड की क्या हालत है, उन PSL के सर्टिफिकेट की क्या हालत है, ये आप मेरी पहले की वीडियो में देख चुके हैं और आप अभी भी देख सकते हैं कि PSL ऑफिस में दोस्तों आपके PSL के सर्टिफिकेट का क्या हाल है, पूरा कूड़ा बन चुका है, रद्दी बन चुका है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, ये जो कितने सारे PSL के सर्टिफिकेट बॉन्ड जो है ये किसी ना किसी निवेशक के तो होंगे ही और वो आज कूड़े के ढेर में पड़े हुए हैं, तो सोचिए उनका पैसा अब कैसे मिलेगा। तो दोस्तों अब जो भी है और आगे अब सेबी की तरफ से कोई भी सूचना आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी PSL के व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फेसबुक पर हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी निवेशकों तक ये खबर भी पहुँच सके। और अगर दोस्तों अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।